लेसन स्टूडेंट टुडे वी लर्न अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स सब्जेक्ट मैथ्स ब्लॉक नंबर 8 ब्लॉक नेम इज मल्टीप्लाइंग नंबर्स वी डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लाइंग नंबर्स ओके क्या हम लर्न कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग नंबर्स ओके फर्स्ट लेसन में हमने लर्न किया मल्टीप्लाइंग यूजिंग रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लाई और एडिशन इनका रिलेशन क्या है आपको मालूम हो गया मींस आप मल्टीप्लाई में एडिशन करें तो भी आंसर वही आ जाता है रिपीटेड एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओके मल्टीप्लायर और मल्टीकैट एंड प्रोडक्ट ये हमने लेसन नंबर 1 में लर्न किया लेसन नंबर 2 यूजिंग इक्वल ग्रुप्स तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप्स बनाए और ग्रुप्स में हमने मल्टीप्लाई किया ओके अब लेसन नंबर 3 है मल्टीप्लाई यूजिंग स्टेप काउंटिंग मल्टीप्लाई यूजिंग स्टेप काउंटिंग लेसन का नाम क्या है मल्टीप्लाई यूजिंग स्टेप काउंटिंग ओके अब मल्टीप्लाई करना है लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमें मल्टीप्लाई करना है ओके स्टूडेंट वी कैन मल्टीप्लाई यूजिंग स्टेप काउंटिंग टू स्टेप काउंटिंग इज द सेम एज स्किप स्किप करना नंबर्स हमें स्किप करना है और कितने नंबर स्किप किए हैं वो हमें ओके स्किप काउंटिंग व्हिच इज टेकिंग जंप्स जंप्स करना है कितने नंबर से हमने आगे जंप किया है वो देख जंप्स ऑफ द सेम नंबर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन हमें जंप्स करना ओके फॉर एग्जांपल हमारी हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है अ रैबिट का एक रैबिट है और वो जंप कर रहा है स्टेप बाय स्टेप वो जंप कर रहा है मींस ये स्किप काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन का कुछ तो कनेक्शन है वो हम देखते हैं ओके स्टूडेंट्स क्या है एग्जांपल रैबिट जंप्स 3 स्टेप्स इन अ सिंगल जंप व्हाट जंप नंबर वी इट रीच इट जंप्स 3 टाइम्स तो यहां पर जंप किया करना है रैबिट क्या करता है जंप करता है कि 3 स्टेप्स वो जंप करता है 3 नंबर पे आगे वो 3 स्टेप्स वो जंप करता है ओके और कौन से नंबर पर वो पहुंचता है सी शो इन योर ब्लैक ओके देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आगे ओके अब ये हमारा जो रैबिट है वो जंप कर रहा है 0 से स्टार्ट ओके तो फर्स्ट उसने 3 स्टेप पर जंप किया 3 नंबर पर जंप किया ओके अब नेक्स्ट उसकी फर्स्ट स्टेप है अब वो 3 नंबर पर और 3 नंबर पर स्टेप करे कौन सा नंबर आ जाएगा 3, 4, 5 एंड 6 ओके तो 6 नंबर पर उसका दूसरा स्टेप है सेकंड स्टेप उसका 2 नंबर ओके एंड थर्ड 3 और 3 नंबर पर वो स्टेप करे कौन सा 1, 2 एंड 3 9 पर वो मींस यहां पर कितने स्टेप्स उसने किए 3 स्टेप्स किए ओके तो यहां पर रैबिट पहुंच गया यहाँ पर रैबिट क्या हो गया पहुंच गया हमने यहाँ पर रैबिट निकाली छोटी सी ओके तो यहाँ पर रैबिट पहुंच गया तो कौन से नंबर पर पहुंच गया 9 नंबर पर वो पहुंच गया ओके अब देखो ये 3 क्या है 3 स्टेप्स है ओके 3 क्या है स्टेप तो ये नंबर ऑफ जंप्स क्या आ जाएगा नंबर ऑफ जंप्स कितने जंप्स किए उसने 3 जंप्स किए तो नंबर ऑफ जंप्स 3 ओके नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन 3 अब 3 है क्या है नंबर जंप्ड ओके नंबर जंपड़ा 3 ओके 3 उसने स्टेप पर 3 नंबर
कौन सा नंबर आ जाएगा? 3 मल्टीप्लिकेशन 3 इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9, मींस ये 9 क्या है? नंबर ऑफ रीच द व्हाट? 9 नंबर वह पहुंच गया, कौन? हमारा रैबिट। ओके, नंबर रीच द। तो 3 से कुछ नहीं की, 3 नंबर पर वो पहुंच गया, 3 नंबर से वो आगे आगे बढ़ा, तो नंबर कौन से नंबर पर वो पहुंच गया? 9 नंबर पर वो पहुंच गया, कौन? रैबिट। ओके, मींस वी एडेड 3 टाइम्स टू गेट 3 प्लस 3 प्लस 3। ओके, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हम क्या कर सकते हैं? देखो, 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 मींस द मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस फॉर इट इट इज। तो मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस क्या है? 3 मल्टीप्लिकेशन 3 इज इक्वल टू 9। यह क्या है? मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस। 3 मल्टीप्लिकेशन 3 इज इक्वल टू 9, यह मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस है। अब देखो, आपको पूछा जाएगा मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस कौन सा है, तो 3 मल्टीप्लिकेशन 3 इज इक्वल टू 9, यह मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस है। ओके, अब क्लास वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ 2 नंबर लाइंस टू शो नंबर टू 0 टू 20, देन फाइंड द फॉलोइंग। एक नंबर हमें ड्रॉ करनी है, उस पर आपको जंप करना है, 7 मल्टीप्लिकेशन 2, ओके, और 4 मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लिकेशन 4। और सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द अबोव प्रोडक्ट यूजिंग रिपीटेड एडिशन एंड इक्वल ग्रुपिंग, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द प्रोडक्ट्स। ओके, रिपीटेड एडिशन आपको करनी है। और क्वेश्चन नंबर 3, यूज अ नंबर लाइन टू शो इन द मल्टीप्लिकेशन, जंप 4 स्टेप्स 5 जंप्स। इस तरह हमें क्या करना है कि यहाँ पर 4 जंप्स और 5 स्टेप्स करनी है, 4 जंप्स और 5 स्टेप्स करनी है, और 5 स्टेप्स 2 जंप्स करनी है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स, 3 मल्टीप्लिकेशन 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लिकेशन 3, ट्रू है फॉल्स? ट्रू। 1 मल्टीप्लिकेशन 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लिकेशन 0, यह फॉल्स है सेकंड। ओके, इसी तरह क्वेश्चन